स्टार्ट। जय माता दी। बहुत बहुत स्वागत हमारे इस खास कार्यक्रम में। आज हम लेकर आए हैं कर्क राशि के जातकों का राशिफल। कर्क राशि जुलाई माह का राशिफल क्या कह रहा और कैसे आपके लिए आगे रणनीति बनाना है और आगे बढ़ना है। कर्क राशि के स्वामी चंद्रमा होते हैं। कर्क राशि वाले बहुत ही इमोशनल होते हैं और बहुत ही गहराई में जाकर कोई काम करते हैं और हर काम में रुचि रखते हैं। आगे भी बात करता हूँ, केतु गुरु षष्ठ में विराजमान है। इस माह आपके शत्रु भी थोड़ा सा आपके ऊपर हावी हो सकते हैं। आप किसी विश्वास नहीं करना है, क्योंकि गुरु केतु गुति से शत्रु का योग बनता है। और जो विद्यार्थी हैं उनके लिए कहीं ना कहीं एक अच्छा फल मिलेगा, अपनी पढ़ाई लिखाई में एक अच्छा स्थान मिलेगा या जो आप चाहे तो उसमें आपको सफलता मिलेगी। प्रॉपर्टी की बात करते हैं तो इस माह कोई नई प्रॉपर्टी आप खरीद सकते हैं या कोई चीज़ आपको रुकावट पड़ा है, धन फंसा हुआ है प्रॉपर्टी में, वो भी वापस आने का मतलब एक मार्गदर्शक दिख रहा, यह अच्छा समाचार आपको मिल सकता है। दूसरा, शनि जो है आपके दशम सप्तम में विराजमान है। ऐसे स्थिति में जो भी आप व्यापार करेंगे या साथ में किसी के करेंगे, पार्टनरशिप में करेंगे, अकेले करेंगे, उसमें आपको सफलता मिलेगा। और कहीं ना कहीं आपको जो विलम्ब से काम हो रहे थे वो काम जल्दी होंगे। और एक आपको न्याय का सपोर्ट मिलेगा, किसी बुजुर्ग आदमी से आपको अच्छा सपोर्ट मिलेगा जिससे आप अपने काम को संपन्न कर पाएंगे। आगे की बात करता हूँ, भाग्य में आपके मंगल विराजमान है मीन राशि में। ऐसी स्थिति में भाग का जो भी आपको सपोर्ट है इसमें पूरा मिलेगा। जैसे कि मंगल सेनापति भूमि पुत्र हैं तो भूमि संबंधित मिलेंगे। कोई आपको सरकारी नौकरी करने वालों को प्रमोशन नहीं हो रहा था, कोई दबाव में चल रहे थे, डर भय था, वो आपके इस माह से डर जो है भय खत्म हो जाएगा। कोई आपको डिप्रेशन नहीं रहेगा। मंगल की इस समय जो समस्या आपको थी या जो आपके परिवार में थी वो खत्म हो जाएगी। मंगल आपको पूरा फल देने के लिए तैयार खड़े हैं। दूसरा, शुक्र आपका आय भाव में बैठा है। ऐसी स्थिति में कोई आपको स्त्री द्वारा अच्छा भाग्योदय हो सकता है, आपकी शादी हो सकती है या किसी स्त्री के द्वारा आपको कोई एक अच्छा प्रमोशन या नौकरी में कोई अच्छा समाचार मिल सकता है। दूसरा, सूर्य बुध और राहु आपके बारे में विराजमान है, ग्रहण दोष बना हुआ है तो पिता के लिए थोड़ा सा स्वास्थ्य की दिक्कत हो सकती है। और राहु बारे में विराजमान होने से आपकी यात्रा व्यर्थ हो सकती है, इसलिए आपको जो भी यात्रा करना है, जो भी आपको काम करना है बहुत ध्यान से करना है, किसी में आपको व्यय ना हो और अच्छी तरीके से आपको सफलता मिलती रहे। कर्क राशि के स्वामी चंद्रमा होते हैं। चंद्रमा एक राशि में सफलता रहते हैं, चलायमान होते हैं, तो व्यक्ति का जो मन है वो चंचल होता है। ऐसी स्थिति में आप उसके लिए एक साउथ सी देश का मोती धारण कर सकते हैं, उससे आपको अच्छा लाभ मिलेगा। वैसे श्रावण मास चलेगा, 5 जून से शुरू हो जाएगा, 5 जुलाई शुरू हो जाएगा। आप शिव की पूजा करें और गुरु पूर्णिमा के दिन गुरु की पूजा अवश्य करें 5 जुलाई को, जिससे आपको सफलता मिलेगी। दूसरी, आप अपने जीवन में आगे बढ़ें, ये हमारी शुभकामना है। और जो भी काम करें किसी को बता कर ना करें, बिना बताए करें आपका काम पूरा होगा, पहली बात। दूसरी बात, कोई भी आप व्यक्ति का समाचार या कोई कुंडली का विषय में जानना चाहते हैं तो हमारे संस्था संपर्क कर सकते हैं। समय का अभाव होता है, आप जान सकते हैं, हम आपको बताएंगे विस्तार से और सही तरीके से आपको संतुष्ट कर पाएंगे। जय माता दी।